दोस्तों, ये हावेस कंपनी की एक मिक्सर है 500 वाट में। इसमें दोस्तों हुआ क्या है, इसका दोस्तों ये ऊपर वाला बुश जो मोटर का होता है बिल्कुल मतलब कि हिल रहा है। देख सकते हैं आवाज़ कट चुका है। मैं एक बार ये आपको सीरीज में डाल के दिखा देता हूँ कितना आवाज़ कर रही है मोटर। तो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल साइड में मतलब एक साइड एक तरफा खींच रही है। तो इसका बूस्ट लगाना कैसे मतलब लगाया जाता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें पुश कपलर लगा हुआ है, मैं एक बारी कपलर निकाल के आपको दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये तीनों नट जो हैं तो तीनों नट इसी को खोलना पड़ेगा हमको। तो अभी ये देखने में देख सकते हैं बिल्कुल मतलब इतना जंग खाया हुआ है कि ये खुलने का चांस ही नहीं है, बिल्कुल खुलेगा नहीं। दोस्तों ये देख सकते हैं इसका जो होता है कि स्क्रू का ये जो जिसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर ऐसे बैठता है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। बाकी दो इसमें अभी कवर लगा हुआ है तो उसको भी निकाल लेते हैं कवर को। देखिए कवर निकल गया और देखिए इसका भी हालत कुछ वैसे ही है। ये क्या होता है, जब जार से हमारा पानी इस पे मोटर पे थोड़ा बहुत जो गिरता है उसके वजह से ये पूरे नट जंग खा जाते हैं। जंग खाने की वजह से खुलते नहीं हैं। अब इसको खोलने के लिए मतलब कि आप किसी भी चीज़ से इसको खोल नहीं सकते हैं। जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसका एक तरीका है दोस्तों कैसे मतलब ऐसी मोटर में कैसे बूश डालें। ये देखिए बूश पूरा कट गया है, आवाज़ कर रही है मोटर, सही चल नहीं रही है। तो इसके लिए आपको पीछे से एक कवर खोल लेना। तो दोस्तों देखिए काफ़ी कोशिश करने के बाद 2 बोल्ट किसी तरह मतलब कि खुला। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं चोट लगा के खोला। खोलने के बाद देखिए क्या हुआ, ये जो जिसमें कवर नहीं था, मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये कवर नहीं था वो बिल्कुल जंग खाया हुआ था। तो देखिए खोलते वक्त यहाँ से बाडी से ही टूट गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको बाडी ही चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए बाडी चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। फिलहाल मैं बूश दिखाता हूँ आपको, अभी देखिएगा, देख सकते हैं दोस्तों इतना मतलब कि कट गया है। इतना चलाना नहीं चाहिए कभी भी मशीन को। अब पूरा ही देख, ये पूरा हिल रहा है। अब इतना बूश कटा है, नीचे का नहीं कटता है दोस्तों, ऊपर का ही ज़्यादा कटता है। क्योंकि ऊपर ही हमारा जो जार होता है लोड, जार मसाला का लोड ऊपर ही वाले बूश पे चलता है, पड़ता है। तो ये बूश और हल्का हल्का साफ्ट भी कट जाता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, जब ज़्यादा कटने के बाद चलाते हैं तो हमारी मिक्सर का कुछ हाल ऐसा होता है। आर्मेचर देखिए पत्तियां घिसते घिसते, देखिए फील्ड कॉयल एकदम घिस चुका है चारों तरफ से। हीटिंग के वजह से कॉयलों का पीवीसी देख सकते हैं, फील्ड कॉयल का पीवीसी तक गल गया है। गलने के वजह से देख सकते हैं अभी फील्ड अभी बॉडी अर्थ हो गया होगा, फिर भी मशीन चल रही है। और इसमें अब क्या होगा कि मशीन के ऊपर जब पानी भी अगर थोड़ा सा भी गिर जाएगा ना तो मशीन के ऊपर करंट आने लगता है इस स्थिति में। तो मैं इसको तो सही कर लूँगा फील्ड कॉयल को। और आर्मेचर देख सकते हैं बिल्कुल मतलब पत्तियाँ सट सट गई हैं। चलिए कोशिश करेंगे अभी इसका बूस्ट डालेंगे और इसको कॉयल को थोड़ा सा सही करेंगे। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ फील्ड कॉयल, देख सकते हैं बॉडी अर्थ जैसे हो चुका है पेपर जलने की वजह से। तो देखिए ये हाल होता है दोस्तों, बूश कटने के वजह से आर्मेचर पूरा मशीन ही ख़राब हो जाती है। आर्मेचर फील्ड कॉयल सब मतलब कि जल ही जाते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ है कि यहाँ का पेपर जल चुका है, इसके वजह से ये बॉडी में करंट आ रहा है पूरा। यहाँ इतना एक साइड का पूरा पेपर जला हुआ है, बाकी ये वाला अपना कॉयल सही है। देखिए बूश डालने के लिए मैंने मशीन को खोला और देखिए इतना चला गया है कि मतलब कि देख सकते हैं दोस्तों, एक कार्बन का एक साइड का जो होता है कि पीछे का बॉडी भी टूट गया है। मशीन खोलने के बाद पता चलता है कितना मतलब ख़राबी है। चलिए इसमें देखते हैं, अगर पेपर लग जाएगा तो ऊपर से पेपर डाल देंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये जला हुआ पेपर था इसका, और मैंने नया पेपर देख सकते हैं इसमें डाल दिया है। बिल्कुल वही वही कॉयल है,
क्वाइल वही है, केवल मैंने पेपर नया डाला है, डाल के मैंने क्वाइल को बैठा लिया। अब बस इसको टाइट से बांध के सेप दे देना है। और देख सकते हैं ये इतना यहाँ, ये देखिए ए वायर, ये वायर देखिए, ये बॉडी से टच हुआ था, जहाँ बॉडी शॉर्ट हुआ था, जब पेपर जला था वहाँ से ये वायर गल के अलग भी हो चुका था, तो ये टूट गया है, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे आप मतलब कि अगर सही से काम करेंगे तो ऐसे भी आपका काम हो जाएगा। बस इसमें करना क्या होता है, थोड़ा कोशिश करना होता है दोस्तों, हो जाता है। तो अभी इसको सेप देने के लिए एक बार धागा से बांध के उसके बाद ही इस पर चोट लगाएंगे, नहीं तो ये क्या होगा, इधर उधर फिसलेगा, क्योंकि ये पुराना क्वाइल जो होता है ना काफ़ी हार्ड हो गया रहता है। तो एक बार बांध लूँगा फिर आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है, मैंने इसको बांध दिया है, काफ़ी टाइट हो जाता है जब पुराना मतलब कि फील्ड क्वाइल हो जाता है। तो अब देखिए नया पेपर मैंने 7 नंबर पेपर मोटा पेपर डाल दिया है, बगल से एक पेपर लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए अच्छे से सेप दे के धागा से बांध के यहाँ मैंने वायर ज्वाइंट करके, अब मैं आपको एक बार इस सीरीज में चेक करके दिखा देता हूँ, बॉडी अर्थ था यही क्वाइल, अब देखते हैं बॉडी अर्थ अभी भी है कि नहीं। तो देखिए एक पिन से आप बॉडी पे टच कराएंगे, देखिए बॉडी अर्थ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्वाइल की कंटिन्यूटी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपकी। तो देखिए क्वाइल की कंटिन्यूटी हमें मिलने लगी है सीरीज पे, और बॉडी अर्थ देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक क्वाइल हमारा स्पीड का क्वाइल है, ये बिल्कुल सही है, देख सकते हैं इसमें बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो ये होता है दोस्तों, एक बुश ख़राब होने की वजह से ज़बरदस्ती चलाने का नतीजा, मतलब कि पूरा एकदम खराबी हो जाती है मशीन। तो चलिए अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बुश चेंज कर लेते हैं, और इस बोल्ट को क्या करेंगे कि यहीं पे जाम करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं साइड में, पहले बुश डाल लेते हैं। दोस्तों बुश निकालने के लिए सिंपली आप एक शाफ्ट लीजिए बुश के साइज का, और इसे आगे की साइड में चोट मार के निकाल दीजिए, देखिए ऐसे निकल जाता है बुश। और ये पत्ती जो होता है ना, पत्ती को आप आराम से इस होल, जो 3 होल दिख रहे हैं उसमें एक या साइज का आप कोई भी कील, जैसे स्टील का कील हो या कोई भी कील, उसको डाल के मार दीजिए, तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए नमदा भी निकल गया, और इसका अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का मोड़ लेंगे, ताकि दूसरा बुश लगाने पे पत्ती टाइट रहे। पत्ती को आगे झुका लेना है, क्योंकि बुश निकलते वक्त पत्ती हमारी फैल जाती है। दोस्तों नया बुश ले लेंगे। तो ये रहा हमारा बुश। दोस्तों बुश को ऐसे आपको बैठा लेना है, उसके बाद नमदे को डाल लेना है, नमदे के ऊपर अपना बुश पत्ती रहेगा। तो दोस्तों विश्वास नहीं मानेंगे, मैं इसको सिर्फ बुश डालने के लिए लिया था, लेकिन अब मशीन खोलने के बाद काम ही बढ़ गया दोस्तों। अब देखिए अब इसको ऐसे ही अच्छे से बिठा लेना है, बुश रखने के बाद नमदा, नमदा के बाद बुश पत्ती। चारों साइड से पूरा टाइट ठोक देना है, ठोकने के बाद ये पूरा टाइट हो जाता है। बुश को हिला कर चेक कर लेना है, बुश अपना एकदम टाइट है, ऐसे घूमना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल मतलब टाइट हो गया है, बस इतना ही करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब चलिए मशीन को कर लेते हैं टाइट। एक बार मैं आपको अब इसकी चाल दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल चाल ख़त्म हो गई है। पहले मैं दिखाया था इसके वीडियो पहले कि मतलब डालने के बाद इतना ढकर पकर जैसे कर रहा था, तो यही इसी की वजह से इतना सब खराबी आया था, एक सिर्फ एक बुश के लिए। बुश का बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होता है दोस्तों। ये मशीन को बांध के स्टार्ट कर। तो दोस्तों देखिए ये मोटर मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है, एक बार मैं सीरीज में आपको लगा के दिखा देता हूँ, और देख सकते हैं क्वाइल वही है फील्ड क्वाइल, और मशीन मैं उसी पर सेट कर दिया हूँ।
एक बार मैं सीरीज से इसको चेक कर लेता हूँ। कार्बन के पिन से आप बॉडी पे टच कराएंगे तो मालूम हो जाएगा, या इस वायर से, क्वाइल के इस वायर से भी आप बॉडी पे चेक कराएंगे तो मालूम हो जाएगा कि बॉडी अर्थ है कि नहीं। अब एक बार मैं इसको मशीन को सीरीज में, तो देखिए सीरीज में ही मशीन थोड़ा थोड़ा घूम रही है, और अब इसको हम सप्लाई में देके देखेंगे। देखिए दोस्तों, टाइट करके मैं क्वाइल का कनेक्शन भी कर लिया हूँ। करने के बाद अब मैं एक बारी इसको सप्लाई में देके आपको चला के दिखाता हूँ। तो चलिए, ये सप्लाई कर लिया मैंने यहाँ, और देख सकते हैं इंडिकेटर जलने लगा, दिख रहा होगा इंडिकेटर जलने लगा। अब मैं इसको एक बारी आपको चला के दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है, और बिल्कुल आवाज़ भी नहीं है, और शाफ्ट जो हिल रहा था देख सकते हैं वो हिलना डुलना बंद हो गया है, और देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलने लगी है। दोस्तों ये डैमेज है एकदम पूरी तरह से, लेकिन किसी तरह मान लीजिए कस्टमर ने बोला था हमें रिपेयर करके दे दीजिए कम खर्च में, तो मैंने रिपेयर कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।